नमस्कार आदरणीय प्रिय बंधु, हम लोगों ने पहले डिफरेंट टॉपिक्स पे आपसे बात करी है। हमने न्यूमरोलॉजी पे बात करी, हमने एलिमेंट एस्ट्रोलॉजी पे बात करी। इस टाइम हम एक डिफरेंट विषय लेके आए हैं, उपाय। जो हम रेमडीज करते हैं, उपाय करते हैं, वो कैसे करें। मैंने अपनी रिसर्च में देखा कि लोग जनरली, जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इवन जो पंडित हैं पुराने, वो सब सभी को एक ही जैसे उपाय बता देते हैं। जैसे हमने बात करी थी दशा के बता देते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा डिफरेंट, मैंने जो है रिसर्च वो लेकर आई हूँ कि जो जो हमने एलिमेंट एस्ट्रोलॉजी करी थी उसमें हमने चार साइन लिए थे, क्योंकि जो हम लोग हैं सभी में एक एक एलिमेंट जो है वो डोमिनेट करता है। जो ब्राह्मण वर्ण के हैं उनमें वाटर साइन आ जाता है, क्षत्रिय वर्ण वालों में हम जो है वो फायर साइन लेके बात करते हैं, और जो वैश्य जाति के लोग हैं उनके लिए हमने एयर साइन लिया, और लास्ट साइन जो हमने अर्थ साइन लिया वो सेवक राशि वालों के लिए लिया है। ये जो चार तरह के लोग हैं हमारी सोसाइटी में, इनको हम सेम उपाय नहीं दे सकते। जो मैंने रिसर्च में नोट कराया, अगर हम इनको डिफरेंट वे से उपाय करवाएं, डिफरेंट वे से जो है पूजा पाठ की जो पद्धति है वो बताएं, तो जो हमारे उपाय हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। आज हम इसमें ब्राह्मण वर्ण से शुरू करेंगे। ब्राह्मण वर्ण में हम चार राशियाँ लेते हैं। दर्शकों, ये जो हम बता रहे हैं ये मैं स्पेशली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से ही ले रही हूँ, जो वर्ण सिस्टम ले रही हूँ। ब्राह्मण राशि में हम लोग जो हैं वो ले लेंगे पाइसियन, कैंसेरियन एंड स्कॉर्पियो। ये तीन जो राशियाँ हैं वो आ जाती हैं। हमने पहले बात करी थी कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट राशि होती हैं। जो भी ब्राह्मण के करेक्टर्स हैं वो इसमें हैं, जो हम सोसाइटी में देखते हैं। स्कॉलर राशि है, पढ़ी लिखी राशि है, तो इनको जो है हम नॉर्मल उपाय नहीं दे सकते। इनको हम स्पेशली, क्योंकि इनमें क्लैरिटी काफ़ी होती है, एजुकेटेड होते हैं, और जो भी बात करते हैं उनमें इनको काफ़ी जो है चीज़ों का पता होता है, तो हम इन लोगों को सीधा ही प्रभु के साथ जुड़ने की बात कहते हैं। कि हमारे पास उपाय भी चार तरह के होते हैं, पूजा पाठ होती है, मेडिटेशन होती है, दान पुण्य होते हैं, यज्ञ तपे वगैरह होते हैं, व्रत करना होता है। तो जो एलिमेंट एस्ट्रोलॉजी में हम डिफरेंट लोगों को डिफरेंट उपाय बताएंगे, ब्राह्मण राशि वालों को जो है वो हम सीधा भगवान के साथ जुड़ने की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। अगर इनको हम सिंपल व्रत रखने की बात करेंगे तो ये शायद उतने तरीके से उसको ना मान पाएँ जैसे कि अर्थ साइन वाले मान लेंगे। फिर हमारे पास आ जाएंगे सेकंड राशि वाले, जो अग्नि साइन वाले हैं। ये जो राजा की राशि है, इनका दिमाग भी जो है काफ़ी तेज होता है। दर्शकों, ये जो ऊपर वाले दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण वाले हैं, इनका ब्रेन जो है ज़्यादा डेवलप हुआ होता है, और ये काम कर्म की बजाय जो है ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अपनी जो है दिमागी समर्था इनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, ये नहीं कि दूसरों में कम होती है, लेकिन इनके इंटरेस्ट जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर राशीज एयर एंड अर्थ साइन वालों के पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़्यादा होते हैं। तो इन लोगों को जो है स्पेशली हवन यज्ञ जो है वो करने की बोला जाता है, क्योंकि ये खुल के दान कर सकते हैं, इनमें कोई किंतु परंतु नहीं होती। ये सीखना चाहते हैं, ये हर नई चीज़ करनी चाहते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम इनको पाठ करने को बोलेंगे तो इनके बहुत क्वेश्चन होंगे, व्रत करने को बोलेंगे तब भी इनके क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये वही करेंगे जो इनको जो है अच्छा लगता है, अपने वे से बात करेंगे। तीसरी हमारे पास जैसे आ जाती है एयर साइन वाले। एयर साइन वाले जो हैं ये थोड़ा सा खर्चा बड़ा सोच समझ के करते हैं। अपने पर तो ये बहुत अच्छे से खर्चा कर लेंगे जो भी इनको चाहिए, और दूसरे को खुश भी कर लेंगे। और जो भी हमारे पास एयर साइन वाले हैं, इन लोगों को हम लोग स्पेशली यही कहते हैं कि आप पूजा पाठ, जप तप ये सब कर सकते हैं, भगवान को भी खुश कर सकते हैं, और जो भी इनको आप पूजा पाठ बोलोगे, जप करने को बोलोगे, ये विधि विधान से कर लेते हैं। तो जो भी हमारे पास एयर साइन वाले लोग आते हैं उनको जो है ये वाले उपाय ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। अगर हम उनको सीधी मेडिटेशन पे लेके जाएंगे तो शायद वो ना कर पाएँ जो ब्राह्मण और क्षत्रिय साइन वाले कर लेते हैं। इन लोगों के लिए जो हमें ये वाले उपाय पूजा पाठ और दान करने को भी बोल देते हैं। फोर्थ हमारे पास आ जाती है सेवक राशि अर्थ साइन। अर्थ साइन वाले जो लोग हैं
वो आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, इसमें हमारे पास आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। ये जो चार साइन वाले लोग हैं, ये इनको जो सामने दिख रहा है वही दिख रहा है, पर्दे के पीछे क्या है ये लोग नहीं देख पाते। बड़े भोले लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं, कोई इनमें चतुराई नहीं होती, सिंपल होते हैं, जो दिख रहा है वही देखते हैं, जो पीछे है वो इनको पता नहीं चलता। और अगर इनको हम बोलें कि आप पूजा पाठ करो, तो सच मानो ये लोग पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। आप इनको पकड़ के बिठा तो सकते हो, पूजा में लगा दोगे कि ये वाला मंत्र कर लो, लेकिन ये जुड़ नहीं पाते जैसे जुड़ना चाहिए उन लोगों को। तो फिर मैंने इनका देखा कि इनको हम कैसे उपाय करवाएं, इनको हम स्टोन डलवा सकते हैं और जहाँ दान करवा सकते हैं। दान भी ये उतना खुश हो के नहीं करते जितना ये स्टोन डाल लेंगे। कोई भी आप इनको स्टोन बोलो ये डाल लेंगे, इनको कलर बोलो ये कर लेंगे। ये वाला एपिसोड स्पेशली करने का हमारा यही मतलब था कि अगर हम एलिमेंट के हिसाब से करवाएंगे प्रोग्राम तो काफ़ी अच्छा जो रहता है, क्योंकि जो मेडिटेशन जहाँ प्रभु के साथ जब मंत्र याप तंत्र याप जो पहली राशि वाले ब्राह्मण राशि वाला जहाँ हमारे पास जो आता है अग्नि साइन वाला कर सकता है, वो अर्थ साइन वाले नहीं कर सकते। अर्थ साइन वालों के लिए स्पेशली हमें जो है बड़ी सोच समझ के उपाय देने पड़ते हैं, क्योंकि उनका जो विश्वास है वो इतना भगवान में बनता नहीं है। उनको जो सामने दिख रहा है वो चाहिए, कर्म चाहिए। लेकिन जो बाकी मैच्योर होते हैं जैसे अग्नि साइन वाले, तो उनके लिए जो है हम हवन यज्ञ वगैरह कह सकते हैं। तो इसमें यही मैं कहना चाहती थी स्पेशली कि आप जब भी उपाय करते हो पहले ये ज़रूर देखो कि आपका साइन कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है आप में। इसके अलावा एक और बात, अगर दर्शक, ये तो हमने वेस्टर्न सिस्टम से कर ली, तो कई बार ये भी देखने में आता है कि जिनका लग्न इनसे रिलेटेड हो, लग्न अगर कौन सी एलिमेंट को करता है उससे भी हम उपाय करवा सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो प्लैनेट्स हैं मैक्सिमम किस राशि में आते हैं, कौन से एलिमेंट में आते हैं, वो भी आपको जो है काफ़ी मैटर करता है। ये जो हम प्लैनेट्स देखेंगे या लग्न देखेंगे, ये तो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर भाई बहनें हैं उनके लिए है, लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ही लेके बात करती हूँ कि आप ये देखो आपकी राशि कौन सी बनती है वेस्टर्न सिस्टम से, उसी हिसाब से अगर आप उपाय करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप ईज़िली कर भी लेंगे। इसके अलावा और भी जो नॉर्मल उपाय हैं, दान पुण्य वो तो सभी कर लेंगे। दान पुण्य में भी जो है पहली राशि वाले थोड़े ज़्यादा कर लेते हैं, तो जो सेवक राशि वाले हैं और ये जो आ जाते हैं हमारे पास एयर साइन वाले, एयर एलिमेंट वाले, वो थोड़ा सा सोच के करते हैं। वही फिर दोबारा मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो एयर साइन वाले हैं वो जप तप व्रत कर सकते हैं, और जो अर्थ साइन वाले हैं उनको स्टोन डलवा सकते हैं, और छोटे छोटे उपाय तो सभी कर ही लेते हैं। ये देख के अगर आप करेंगे तो आपका जो है काफ़ी अच्छी जो है आपका इसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा और आप मन से भी ये वाले उपाय करोगे। नमस्ते। थैंक यू मैडम।